अस्सलाम वालेकुम प्यारे, आज मैं गोश्त, एक पाव गोश्त के साथ वो गाजर का सालन होता है ना, सिर्फ गाजर का सालन डालना हो तो आलू वगैरह भी डाल सकते हैं आप लोग। गाजर का सालन गोश्त के साथ बना रही हूँ। ये तेल डाल दिया, प्याज काट के डाल रही हूँ। प्याज का भगा लगता है हर चीज में, आपको पता है, ज्यादातर गोश्त वगैरह में। तो बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं, तो मर्जी है, पर मैं मेरा जो है ना, मतलब मैं इसी तरह बनाती हूँ। और प्यारे व्यूअर्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरा आगे बढ़ाइए। ये देखिए प्याज का भगा लगा रही, ये भून के चढ़ा रही हूँ मैं मसाले के साथ ना, ये भून के, क्योंकि तो प्याज ज़्यादा रख ली हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने ज़्यादा रखी है, बाकी दूसरी चीज़ में डाल रही हूँ, चावल बना रही हूँ दूसरी तरफ। चावल के लिए हमारे यहाँ चावल जरूर खाते हैं। चावल, बच्चे कहते हैं मम्मी चावल जरूर बनाया करो, चावल थोड़े से चावल भी बना देती हूँ मैं बच्चों के लिए। सालन तो होता ही है, मैंने बच्चों से चावल भी रखती हूँ थोड़े, तो वो ज़्यादातर है ना चावल की आदत है। ये हो गई है, प्याज कट गई है, अब इसको कट गई है प्याज भी मेरे, गरम मसाला डालूंगी और चावल में डलेगा वो गरम मसाला, तो और बाकी ये सामान है दूसरे। प्याज हो रही है ये वाली, ये भी कर दूंगी। पिंक हो जाएगी ना प्याज, रेड हो गई है देखो, नजर आ रहा होगा आपको भी। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक डाल देंगे, ये देखिए गोश्त के अंदर, इसके अंदर भी डाला और इसके अंदर। ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक और इसमें भी डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है ना मैं मसाले डाल दूँ, ये तो पुलाव का सामान है थोड़ा मेरा, ये इसमें डाल दिए मैंने, और इसके अंदर वाला तो हटा दिया मैं, और बाकी बाकी के जो सामान है वो डाल देंगे।
अच्छा इसमें जो है ये चिकन है मेरी, चिकन आ गई है। और ये वाला जो है गोश्त, गोश्त में मैं अब अपना कुछ वाले में गोश्त डालूंगी। देखिए ये गोश्त डाल, इसे गोश्त डाल दिया है, फिर इसको भूनना है। एक चम्मच धनिया डाल दिया मैंने, और एक चम्मच ही मैंने ये पिसी मिर्ची है, और ये हल्दी है, थोड़ी सी कुटी मिर्ची भी डाल दें। गरम मसाला आप डाल सकते हैं, अभी जो आर्टिफिशियल होता है वो डाल देती हूँ। और ये मैं भूनना है इसको, पहले इसको भून लें। इसको भूनने के बाद थोड़ा सा वो टमाटर वगैरह ये भी डालेंगे अभी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे ताकि मसाले ना लगे। यही थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले ना लगे। इसके अंदर जो है ना वो टमाटर, इसके अंदर जो है ये टमाटर डालना है, गाजर गोश्त में ये टमाटर हो गए इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें दही डाल दूंगी मैं, बाकी का ये इसमें डाल दूंगी मैं, तो पूरा कर दूंगी इसको। ये देखो, और इसमें भी थोड़ा सा दही डाल, ये भी भून रहा आपको दे रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, अब ये भून रहा है, और साथ में गाजर वगैरह डाल दूंगी ना, तो ये साथ में दोनों चीजें गल जाएंगी, गोश्त भी गलेगा गाजर भी गलेगी। और गोश्त वैसा बछिया का होता है मेरा, मैं ज्यादातर है ना वैसा ले, वैसा नहीं लेती, मतलब अच्छा ले लेती हूँ गोश्त।
चिकन है तो हमारा ये तो गल ही जाएगा। ये थोड़ा आधा घंटा तो लेगा, थोड़ा बहुत तो लेगा ना, वो शेज आए नीट है। ये देखिए ये तो तभी ना भून गया है, ये देखिए गोश है ये बीफ, ये तकरीबन भून गया है। अब इसको मैं डाल के, गाजर वगैरह डाल के इसको मैं छोड़ दूँ। ये देखो ये गाजर काटी हुई थी, ये देखो ये देखिए गाजर डाले, ये तकरीबन भून गया है सालन चढ़ाने। ये अब इसे पानी डाल दे, थोड़ा इतना डाल देंगे वो गाजर गोश्त गल जाएगा, बस मैंने भी इतना ही डाल दिया है, गाजर गोश्त गल जाएगा इतना डाल दिया। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे आखिर में, थोड़े से जो मेरे पास हरा चीज़ें रखी हैं वो डाल दूंगी, बस नमक वमक डाल दिया। अब ये गल जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, सालन दिखा दूंगी मैं आपको। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, ये मैंने अभी गाजर का आपको बताया था ना, गाजर गोश्त बना रही है, उसमें एक दो आलू भी डाले थे मैंने बाद में, तो ये है भुन गया है देखें सालन, और कितना जबरदस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत मजे का होता है गाजर गोश्त। खाली गाजर का भी सालन बनाएंगी ना वो भी बहुत बड़े मजे का बनेगा, इसमें हरा धनिया, हरी बारीक अदरक, हरी मिर्चें काट के डाल लिएगा और मज़ेदार हो जाएगा। ये है मेरी रेसिपी आज की। चलें प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।